कई शहरों की जहरीली हुई हवा, दिल्ली एनसीआर में गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता। व्हाइट हाउस में मनाई गई दीपावली, राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मनाई दिवाली। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आज दोपहर 2:29 से शुरू होकर शाम 6:32 तक रहेगा। दिल्ली में 201 कॉल्स, हैदराबाद में पटाखा जलाने से 10 लोग झुलसे। राम सेतु आज रिलीज हो रही है फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। शाहजहांपुर में दीपावली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान राजभवन में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पूजा अर्चना कर सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही दीपावली पर्व मनाने का महत्व भी बताया। साथ ही शाहजहांपुर वासियों ने हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया, एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। त्यौहार हम लोग बड़े उत्साह से परंपरागत तरीके से मनाते हैं और इस वर्ष इसमें और ज़्यादा कई आयाम जुड़े हैं। ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी का अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। 1000 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने हमारा प्राइड लौटाला है। दीपावली की रात जहां लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं गाजियाबाद नगर निगम के पूर्व पार्षद और पूर्व जोनल चेयरमैन को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात उस वक्त हुई जब थाना कवि नगर के बहमेटा निवासी फुल कवर अपने फार्म हाउस पर टहल रहे थे। उसी दौरान छिपे हुए दो युवकों ने उन पर गोली से हमला कर दिया। गनीमत रही कि गोली उनके जांग में लगी और पार हो गई। दिवाली पर सरेआम हुई इस वारदात से चारों ओर हड़कंप मचा हुआ है। जैसे मैं जो टहलता बाथरूम की तरफ गया था, ये दो लड़के जो छुपे बैठे थे वहाँ, इन्होंने फायरिंग चालू कर दी। मैं तुरंत जो वापस जो मंदिर की तरफ भागा हूँ, फिर मैंने अपने जो लाइसेंस वेपन से इन पर फायर करी। उसके बाद ये शायद जो जयपुरिया की तरफ जो भाग गए, जो फार्म हाउस की दीवार कूद गए। अमेठी में डीजीपी के निर्देश पर पुलिस लोगों के घर पहुंच रही है। इस दौरान बच्चों को मोमबत्ती, मिठाई, फल और पटाखे बांटे गए। वहीं गौरीगंज सदर के सीओ मयंक द्विवेदी और जामो पुलिस ने गांव में हर जगह घूमकर लोगों को खाद्य सामग्री वितरित किए। अमेठी में दीपावली के शुभ अवसर पर पुलिस ने खाकी वर्दी का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल कोतवाली प्रभारी संदीप राय पुलिस टीम के साथ जगदीशपुर पहुंचे, जहां पर दीपोत्सव पर्व पर क्षेत्र के बच्चे, बूढ़े और गरीब परिवारों के साथ खुशियां साझा की। थाना प्रभारी ने लोगों को मिठाई और मोमबत्ती बांटे। वहीं इंस्पेक्टर संदीप राय को अपने बीच पाकर लोगों में खुशियों की लहर देखी गई। ये मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा का है। खबर फतेहपुर से है, जहां बिजली विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बता दें कि मीटर रीडिंग बिजली विभाग को लगा रहे लाखों रुपए की चपत, रीडिंग डंप कर बदल रहे मीटर। ताजा मामला फतेहपुर के अधिशासी अभियंता प्रथम के राधानगर पावर हाउस का है, जहां तैनात मीटर रीडर नीलेश अवस्थी ने डंप रीडिंग का मीटर हटाकर पुराना मीटर लगा दिया, जिसकी जानकारी अवर अभियंता को होने पर जाँच की गई
और मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही गई, पर 24 घंटे बीत जाने के बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिले का ये पहला मामला नहीं है, इसके पूर्व भी पनी में तैनात मीटर रीडर शिवम द्विवेदी का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें लेन देन की बात की जा रही थी और 40,000 रीडिंग डंप की बात भी की गई। हालांकि प्राइम टीवी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आइए आपको सुनाते हैं वायरल ऑडियो। हेलो भाई साहब, ये कह रहे थे एक वो जो उसका उनका बिल नहीं था, तो जिन्होंने वो पैसे उससे दिए थे आपके दुकान से ना, उनका तो मीटर चेंज हो गया है। चेंज हो गया है ना, वो अपना करा लिए। हाँ हाँ ठीक है, उसका वीडियो है, फिर हम अपने हिसाब से उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें नजर में अभी पता चला हमें, तो उसको जो है हम अपने हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 40,000 रुपए उसको जो है हम देख लेते थे। हमने कहा एक बार तुमसे बता दें, मतलब आपने ही तो नहीं करवाया। नहीं कराए, वो अपना जो भी कराए हो ले निकालो, अब कल आना, बस वो 500 रुपए दे देना, अपना बाकी जो चाहो करो। हाँ 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 ठीक है ना। ठीक 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 भाई। रायबरेली के नेहरू नगर में स्थित फिनिक्स अस्पताल से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं पीड़ित ने ड्यूटी में तैनात डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि जब सुबह 6 बजे घर गया, तब बच्चा स्वस्थ था और खेल रहा था, आईसीयू में रखा गया था। अस्पताल की लापरवाही के कारण मासूम की हालत बिगड़ गई और इलाज के अभाव से बच्चे ने दम तोड़ दिया। आईसीयू में रखा था, उसके बाद सुबह हम गए, जब घर गए 6:30 बजे तो बच्चा हमारा खेल रहा था। किसकी लापरवाही? सारे डॉक्टर हम रात में पूछने भी गए, हमारा बच्चा कैसा है, कह रहे हैं 48 घंटे कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या नाम है डॉक्टर का? उसके बाद जो है हमने पूछा अब बच्चा हमारा कैसा है, रात में हम पहुँचे, उनने कम से कम 12:30-1 के टाइम पूछा, अब मैडम हम पहले लाए थे उससे स्वस्थ है या नहीं है, कह रहे हाँ भैया पहले से थोड़ा स्वस्थ है। क्या नाम है डॉक्टर का? सर डॉक्टर का नाम नहीं पता सर, उसी को कागज में लिखा होगा, हमें कागज देने के लिए। दिवाली पर दिल्ली की हवा मुंबई से बदतर और सबसे खराब स्तर पर बताई जा रही है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 325 दर्ज किया गया है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे जलाने पर लगी पाबंदी का उल्लंघन करते हुए दिल्ली वासियों ने दिल्ली की रात ना सिर्फ आतिशबाजी की बल्कि तेज आवाज वाले पटाखे फोड़े। वहीं मुंबई का IQI 198 बताया गया, 233 IQI के साथ चेन्नई की हवा खराब श्रेणी में बताई गई है और 38 IQI के साथ कोलकाता की हवा अच्छी बताई गई है। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना टप्पल इलाके के गांव रसूलपुर में अवैध संबंधों के चलते दबंगों द्वारा फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के पिता द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। थाना टप्पल के ग्राम रसूलपुर से कल देर शाम एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। वहां पर श्री जगत सिंह द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने यह बताया कि उनके पुत्र के विजयपाल की पत्नी नीलम के साथ उनके बेटे बेकन के प्रेम संबंध थे, जिस कारण उसकी हत्या की गई है। इस संबंध में इन्होंने अवगत कराया कि जब ये अपनी कार से एक जगह से लौट रहे थे तो जो आरोपी पक्ष हैं उनके द्वारा उनको घेर लिया गया और गोली मार के उनके 24 वर्षीय पुत्र बीकन की हत्या कर दी गई। क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी, ये अपनी वाइफ के लिए दवाई लेने के लिए निकला था शाम 9:30 के करीब, फिर वहाँ से बदमाशों ने इसे घेर लिया गांव के बाहर। क्या लोग थे गोली मारने वाले? 8 लोग थे गाड़ी में। गांव के थे? हाँ गांव के थे। पहचान लिए? हाँ उसके पापा ने, पापा और उसके पहचान लिए वो। घटना ये घरवाली के लिए दवा लेने के लिए निकला था, इसके साथ इसके पापा और दो चाचा थे,
घर से जैसे ही थोड़ी सी 400 मीटर दूर निकले, क्या नाम था उस घर में, बीरी के घर के पास जैसे ही पहुंचे ना, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी आई, उसमें से नहीं गाड़ी बड़ी, उसमें 7-8 लोग निकले, उन्होंने लेकर डंडा बजाना शुरू कर दिया इनके ऊपर। तो उनमें से एक ने बोला कि डंडे से नहीं माना, ऐसे गोली मारो, इसका काम खत्म कर दिया। जिसका रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने डायल 108 की मदद से लालगंज CSC पहुंचाया, जहां पर हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद घटना को लेकर लोगों ने में काफी देर तक अफरा तफरी का आलम रहा और शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां मामूली कहा सुनी के बाद दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें पुरुष समेत कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार के सभी घायल सदस्य लोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती हैं, जहां गंभीर घायलों को रेफर करने की तैयारी की जा रही है। पापा आने के बाद धक्का धुक्की में करने लगे, हमने बहुत समझाया, नहीं समझे। गाली गुप्ता तो इतने गंदे गंदे बक रहे थे, ठीक है। बकने के बाद एक लेडीज थी उसमें से, वो लेडीज पता नहीं क्या क्या कह रही थी फोनों में, सब जगह कर कर आके अचानक ही सर बातों बातों में हम पे हमला कर दिया। चापल लाए, ठीक है, रॉड लाए, और वो जो बंदूक का नाल क्या कहते हैं उसको, नाल सा होता है जिसमें बम पटाखे फोड़े जाते, उससे हमें ना लेडीज देगा ना जेंट्स देगा, हमें अंधाधुन। खबर अमेठी से है, जहां पर एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पहले भाई का शव घर पहुंचने पर दूसरे भाई को हार्ट अटैक हुआ, वहीं इलाज के दौरान दूसरे भाई की भी मौत हो गई, जिसमें परिजनों में कोहराम मच गया। मौत की घटना के चलते दीपावली मातम में बदल गई और गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये मामला रामगंज थाना क्षेत्र के त्रिशुंडी गाँव का है। दो तीन दिन पहले लोकल मार्केट में दिखाया गया, फिर उसके बाद कल उनको लेके गया गया सुल्तानपुर जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, वहाँ से रिफ़र डॉक्टर ने किया, उसके बाद हमने उनको KGMU में मेडिकल कॉलेज में ले गए। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान लगभग 15 मिनट तक इलाज चला, उसके बाद एक्सपायर कर गए उनको। जस्ट उनको फिर हम 4:30 बजे घर लेके आए, घर लेके आए, उसके बाद सब लोग घर पे रोने लगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं।